हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर 3 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। सो टुडे वी आर स्टडी अबाउट वेलोसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन in a unit time is called the velocity. The distance covered by a moving object in a definite direction. यहाँ direction आ गई है बेटा, तो एक particular direction में अगर कोई भी object move कर रहा है और unit time, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपकी velocity. Is called velocity of object. ठीक है, एक और definition देख लेते हैं इसकी और लगा रखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ए पार्टिकुलर टाइम में कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट हो रहा है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी। इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, या एक और फॉर्मूला आ सकता है डिस्प्लेसमेंट की जगह आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ सकता है डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम। क्लियर? सो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज ए कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज, इट मीन्स इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। नेक्स्ट है डायमेंशन। इसकी डायमेंशन देंगे, डायमेंशन डायमेंशन हो जाएगी वो जो मतलब आपके पास स्पीड की थी m0 L1 t-1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है और डिस्टेंस, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। एंड सीजीएल सिस्टम में इसको बोलते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। सब सेम है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? बाकी तो सब सेम है, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वहां पे था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और स्पीड में एक ही डिफरेंस है मेन, और वो है कि स्पीड वहां पे स्केलर क्वांटिटी थी, मींस डायरेक्शन नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्शन है वेलोसिटी। क्लियर? टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। एक और टाइप है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे कि किसी, मैंने पहले बताया था यूनिफॉर्म जैसे स्पीड है सेम, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का जनरेट, यानी कि जितना जितना टाइम इंटरवल है उतने उतने टाइम इंटरवल में सेम डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम डिस्टेंस जनरेट होती है, तो ऐसी जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में टाइम इंटरवल सेम रहेगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अलग अलग होगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट जनरेट होंगे, उसकी वजह से यहाँ जो स्पीड जनरेट होगी, सॉरी जो वेलोसिटी जनरेट होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा कि जितने भी कोई भी एक टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल में कंप्लीट टाइम इंटरवल में कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों का जो रेशियो है वो आपके पास आ जाता है एवरेज। तो इस पे इसका फॉर्मूला देखें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड वेलोसिटी ना, सॉरी, तो एवरेज वेलोसिटी बी एवरेज, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड अपॉन टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी,
और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सो वी एवरेज आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी वो आ जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इन ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पे वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, यूनिफॉर्म जो है उसमें क्या होगा, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उनका जो रेशियो है वो वेलोसिटी जनरेट करेगा, लेकिन वो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में टाइम इंटरवल फिक्स रहेगा लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी तो नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टाइप्स का फोर्थ टाइप पढ़ने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।